गाइज, वेलकम बैक माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वीएस नाउपोल द्वारा लिखा गया एक फेमस नोवल। उसका नाम है ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो निगेटिव से पॉजिटिव स्थिति को बदलता है अपनी लाइफ की। तो स्टार्ट करते हैं पहले इसका इंट्रोडक्शन। उससे पहले हम थोड़ा जानेंगे अबाउट द इंट्रोडक्शन फॉर V.S. नावल। हु इज द V.S. नावल? V.S. नावल एक नोवेलिस्ट थे इंग्लिश लिटरेचर के, जो बहुत फेमस थे। उन्होंने बहुत सी क्रिएशंस लिखी थी और अपने लाइफ टाइम में, अपने क्रिएशन के जो लाइफ टाइम है उस टाइम में बहुत सी फेम ली थी। V.S. नावल का पूरा नाम था सर विद्याधर सूरज प्रसाद नावल। सर विद्याधर सूरज प्रसाद नावल FRASTC कॉमनली नोन एज V.S. नावल एंड फेमिलियरली विद्या नावल वॉज ए ट्रिनिडाडियन बॉर्न ब्रिटिश राइटर ऑफ वर्क्स ऑफ फिक्शन एंड नॉन फिक्शन इन इंग्लिश। बॉर्न 17 अगस्त 1932, डाइड 11 अगस्त 2018, जनरे नोवल एंड एसे। जो ये स्टोरी है ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास इज ए 1961 नोवल बाय V.S. नावल, सिग्निफिकेंट एज नावल्स फर्स्ट वर्क टू अचीव अक्लेम वर्ल्ड वाइड। ओरिजिनली पब्लिश्ड 1961, जनरे कंटेम्प्रेरी फिक्शन, कवर आर्टिस्ट स्टीफन रस। ये जो स्टोरी है ये V.S. नावल ने अपने डैड से इंस्पायर होकर लिखी थी। उसमें जो स्टोरी है वो एक मिस्टर विश्वास नाम के लड़के की है जिसका नाम मोहन विश्वास रहता है। और जब वो पैदा होता है तो वो मिडनाइट के टाइम पे पैदा होता है। और एक जो शास्त्री जी रहते हैं वो उसके बारे में भविष्यवाणी करते हैं कि जो इसका टाइम है जन्म का वो बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए ये आगे जाके एक अच्छा आदमी नहीं बनेगा और इसके माँ बाप की मौत का कारण भी यही बनेगा। और इसको जो अगर उपाय में कर सकते हैं तो इसको पानी और पेड़ पौधों से हमें दूर रखना चाहिए, बस इसका यही उपाय है। बाकी इसके जो फ्यूचर है, जो इसका नसीब है, उसको कोई बदल नहीं सकता है। जब ये पंडित जी ने भविष्यवाणी कर दी तो उसके पेरेंट्स बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन उनका बेटा है फिर भी उसको पालते हैं अच्छे से, लेकिन उसका बहुत ध्यान रखते हैं। एक बार क्या होता है, मिस्टर विश्वास, मोहन विश्वास को हम इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे मिस्टर विश्वास के नाम से। एक बार जो मिस्टर विश्वास नाम का जो लड़का रहता है वो बकरी चराने के लिए जाता है, किसी पड़ोसी की बकरी चराने के लिए जाता है। और वो वहां पे नदी देख लेता है, जंगल की तरफ जब जाता है तो वो सोचता है कि उसने कभी आज तक पानी ठीक से नहीं देखा और अभी इतनी बड़ी नदी देख लिया। तो वो उसको देखे देखे जाता है और देखते देखते उसकी बकरियां खो जाती है और वो उसी नदी में ही खोया रहता है देखने में। तो क्या होता है, वो डर के मारे घर ही नहीं जाता है और वहीं जंगल में छुप जाता है। उसका फादर आता है और देखता है कि शायद उसका जो बेटा है वो नदी में डूब गया। उसको सर्च करने के लिए वो नदी में छलांग लगा देता है और उसका फादर मर जाता है। तो ये उसके फादर की डेथ तो हो जाती है उसके कारण, और उसके पंडित जी की जो भविष्यवाणी वो भी सच होती हुई सी दिख जाती है। फिर उसके बाद में मोहन विश्वास है वो वहां से छोड़कर चला जाता है। वो दर बदर भटकता है, मतलब अपनी लाइफ में वो बिल्कुल साइलेंटली नहीं रहता है, कभी कहां रहता है। उसको बिल्कुल भी शांति नहीं मिलती है, बिल्कुल भी उसको कहीं काम नहीं मिलता है। कभी तो कोई उससे फ्री में काम करा लेता है, कभी उसके काम से कोई खुश नहीं रहता है। अगर कंक्लूजनली कहा जाए तो वो कहीं भी एकदम सेटिस्फाइड नहीं रह पाया, कहीं भी उसको सेटिस्फाइड जॉब नहीं मिल पाई, कहीं भी वो अच्छे से रह नहीं पाया। तो उसकी जो मदर थी उसने उनको एक तारा और अजोधा नाम के अपने जो अजोधा थी, जो ये बहन थी उसकी मिसेज विश्वास की, मिस्टर विश्वास की वाइफ, वो माँ की, ये मौसी और मौसाजी थे इसके, तो वहां पे उसको छोड़ दिया जाता है। वो वहां पे कुछ टाइम पे रहता है लेकिन फिर भी ठीक से नहीं रह पाता। फिर ये जो अजोधा रहती है अपने भाई के पास भेज देती है। ऐसे करके वो कभी किसी के पास, कभी किसी के पास जाता रहता है, फिर भी उसके पास कोई तो अच्छे से ट्रीट नहीं करता है, कोई उसके काम से खुश नहीं होता है, कभी वो खुद काम से खुश नहीं होता है। फिर उसी टाइम पे क्या होता है, वो एक तुलसी हाउस होल्ड में जाता है और वहां पे एक लड़की से ऐसे ही मजाक में उसको थोड़ा सा लव लेटर लिख देता है।
अब उसका जो फैमिली है वो उस चीज को गलत लेने की बजाय वो उस लड़की से उसकी शादी का प्रस्ताव रख देते हैं। अब उसको न चाहते हुए भी मिस्टर विश्वास को उस लड़की से शादी करना चाहता है। जब शादी करता है तब उसे पता लगता है कि जो ये फैमिली है बहुत बड़ी फैमिली है, 16 लड़कियों की एक फैमिली है जिसका जिनमें से एक लड़की का पति वो है और उसको बहुत बड़ी जिम्मेदारी बर्दाश्त करनी है। उसकी जो फ्रीडम थी वो पूरी खत्म हो जाती है, उसकी जो सोच थी, उसकी जो भी लाइफ थी वो टोटली डिस्ट्रॉयड होती है उसको दिखती है। लेकिन फिर भी वो क्या कर सकता था, वो वहीं रहता था। लेकिन उसके बच्चे भी हुए, सावी, आनंद, माइना और कमला, ये सब उसके बच्चे हुए। और ये और इसके पास में कोई स्पेशली काम नहीं था। फिर उसके बाद में ये कई लोग इसकी लाइफ में आए। फिर एक जो मकान था पुराना सा, उसको उसके साडू भाई का था, वो उसको बेचना चाह रहा था। तो मिस्टर विश्वास बोलता है कि मैं इसको खरीद लूंगा, और वो कुछ पैसे देके उसको खरीद भी लेता है। लेकिन वो कुछ अच्छी स्थिति में वो हाउस नहीं रहता है, फिर भी उसको खरीद लेता है। और वो अपने पूरी फैमिली के साथ में मिस्टर विश्वास उस घर में चला जाता है। और फिर लास्ट में उसको एक सेटिस्फाइड था कि शायद उसने लाइफ में कुछ किया या ना किया, लेकिन उसने खुद का घर ले लिया। फिर उसके बाद में कुछ दिनों बाद में उसकी डेथ हो जाती है, और उस हाउस का भी थोड़ा सा हुलिया चेंज करता है वो, और वहां पे फिर बाद में अच्छे से रहने लगते हैं। और जब अच्छे से रहने की स्थिति आती है, जब वो टोटली एकदम रहता है कि नाउ आई एम सेटिस्फाइड, देन क्या होता है कि उसकी डेथ हो जाती है। और जब वो मरता है तो उसके दिमाग में या उसके माइंड में एक ही सोच रहती है कि अब मैं शांति से मरने वाला हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों के पास और मेरी बीवी के पास में खुद का घर है। अब जो उसकी भविष्यवाणी थी कि ये किसी काम का नहीं रहेगा, वो उसने झेला। लेकिन फिर भी अपनी नेगेटिव स्थिति से पॉजिटिव स्थिति को लास्ट में उसने कर ही दिया, और एक अपनी फैमिली को अपने परिवार में ही छोड़ के गया। और जब छोड़ के गया तो उनको किसी के सहारे नहीं छोड़ के गया। अब इस कहानी का जो सेंस है वो ये है कि उस टाइम देख लो चाहे अभी देख लो, एक ही मेन पॉइंट रहता है कि काश हमारा खुद का घर हो। और जब इंसान का खुद का घर होता है तो वो सबसे सेटिस्फाइड लाइफ जीता है। मिस्टर विश्वास का भी यही दिमाग में था कि जब भी हो मेरा, जब भी मैं मरूं तो मैं मेरे खुद के घर में मरूं। और ये उसकी सोच है, जो उसकी इच्छा है वो पूरी होती है। तो इसकी कहानी में इतना ही है, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आपको समझ में आएगी इसकी स्टोरी। और अगर इसके जो की पॉइंट्स हम देखते हैं तो वो यही है कि ये मिस्टर विश्वास और जो इसमें थोड़े बहुत जो नाम है वो इम्पोर्टेंट है। वीएस नागपाल ने इसने लिखा था, फर्स्ट अक्लेम किया गया था फॉर वर्ल्ड वाइड। और अगर करेंसी के हिसाब से देखा जाए, अगर इनकम के हिसाब से देखा जाए तो भी ये बहुत फेमस हुआ था, वीएस नागपाल का नोवेल। तो आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय वीडियोस। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।